सब्सक्राइब करें एसएन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है मोटर स्टार्टर में होल्डिंग वायरिंग क्या होती है, इसका फंक्शन क्या होता है और किसी भी स्टार्टर में होल्डिंग वायरिंग को किस तरह कनेक्ट की जाती है, आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। बेसिकली यह जो वीडियो है यह बिगिनर्स के लिए है जो भी नए नए इलेक्ट्रिकल में काम सीख रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम होल्डिंग वायरिंग को एक ड्यूल स्टार्टर में समझने वाले हैं कि होल्डिंग का फंक्शन क्या होता है। बेसिकली चाहे रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर हो, स्टार डेल्टा स्टार्टर हो, जितने भी तरह के स्टार्टर होते हैं सभी में हमें होल्डिंग वायरिंग को कनेक्ट करना होता है। तो आज के वीडियो हम ड्यूल स्टार्टर में समझने वाले हैं। चलिए पहले हम यह समझ लेते हैं कि होल्डिंग का फंक्शन क्या होता है और होल्डिंग होती क्या है। तो किसी भी स्टार्टर को परमानेंट ऑपरेट करने के लिए जिस तरह की वायरिंग की जाती है उसे हम होल्डिंग वायरिंग कहते हैं। दैट मींस किसी भी कॉन्ट्रेक्टर को ऑपरेट होने के लिए उसकी कॉइल में सप्लाई देना होती है और उसी कॉइल में सप्लाई हम कहां से देते हैं, इसे एरो पुश बटन से। जैसे ही इसे प्रेस करते हैं यहां पर सप्लाई आती है, बट यहां पर सप्लाई उतनी देर रहेगी जितनी देर हम इसे प्रेस करेंगे। बट यदि हम चाहते हैं कि हमारा स्टार्टर परमानेंट ऑपरेट हो, जस्ट हम इसे एक बार प्रेस कर दे और एक बार प्रेस करने के बाद हमारा जो कॉन्ट्रेक्टर हो चाहे स्टार्टर हो वह परमानेंट ऑपरेट हो, तो इसके लिए जो वायरिंग की जाती है उसे हम होल्डिंग वायरिंग कहते हैं, जिसे करने के बाद हमारा स्टार्टर परमानेंट ऑपरेट हो जाता है। जस्ट उसकी कॉइल में हमें एक बार सप्लाई देना होती है। एक बार कॉइल में सप्लाई जैसे ही दे दी तो उसे होल्ड डाउन मिल जाता है और होल्ड डाउन मिलने से चाहे अब हम ये सप्लाई को ऑफ भी कर दे तो भी हमारा स्टार्टर कंटिन्यू ऑन होता है। तो चलिए हम ड्यूल स्टार्टर में समझ लेते हैं किस तरह हमें होल्डिंग देना होगी और कहां से देना होगी। वैसे हमने सभी तरह के स्टार्टर बनाकर रखे हैं, यदि आप कोई भी स्टार्टर सीखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो जो चैनल है वहां पे जाके आप सीख सकते हैं। चलिए हम ड्यूल स्टार्टर में होल्डिंग समझ लेते हैं कहां से दी जाती है। चलिए अभी हमने कंट्रोल एमसीबी में सप्लाई कनेक्ट कर दी है फेज और न्यूट्रल। अब हम इसकी वायरिंग को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले हम फेज की वायरिंग कर लेते हैं। तो फेज हमें सबसे पहले इस कंट्रोल एमसीबी में देना होगा और इसे एमसीबी से होने के बाद हम ओवरलोड रिले में देने वाले हैं। ओवरलोड रिले में हम इसलिए देते हैं ताकि हमारी मोटर जब भी ओवरलोड हो तो वहां पे ट्रिप हो जाए। दैट मीन्स कोई भी स्टार्टर की जब वायरिंग आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले ओवरलोड रिले में कनेक्ट करें। तो चलिए अब हम इसे ओवरलोड रिले में यहां पर कनेक्ट कर देते हैं। अब ये जो ओवरलोड रिले का एनसी पॉइंट है, इस ओवरलोड रिले के एनसी पॉइंट से निकलते हुए, दैट मीन्स ओवरलोड रिले से सप्लाई जाती हुई हम जिस तरह ड्यूल स्टार्टर की वायरिंग करते हैं उसी तरह इसकी वायरिंग को कंप्लीट कर देंगे। जस्ट यहां से सप्लाई जाने के बाद हमारी जाएगी जो एनसी पुश बटन होता है, या जिसे हम स्टॉप पुश बटन भी कह सकते हैं, स्टॉप पुश बटन में हम यहां पर इसे सप्लाई को कनेक्ट करने वाले हैं। तो यहां पर स्टॉप पुश बटन में हमने अभी सप्लाई को कनेक्ट कर दी है और स्टॉप पुश बटन से सप्लाई निकलने के बाद जाएगी हमारी एनो पुश बटन में, जो कि स्टार्ट पुश बटन है। तो हमारा एनो एनसी स्टॉप पुश बटन से निकलने के बाद हमारी जाएगी एनो, जो कि स्टार्ट पुश बटन है। इसे हम जैसे ही प्रेस करते हैं तो हमारा स्टार्टर ऑन होता है, बट स्टार्टर उतनी ही देर के लिए ऑन होगा जितनी देर के लिए हम इसे प्रेस करें, जब तक हम होल्ड डाउन नहीं देते हैं तो। बट हम इसमें होल्ड डाउन भी कनेक्ट करने वाले हैं। तो जैसे ही हम इस एनो पुश बटन को प्रेस करेंगे, जैसे ही हम इस एनो पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा जो फेज है वह जाएगा कॉन्टेक्टर की कॉइल में। अभी हमने कोई भी होल्ड डाउन कनेक्ट नहीं की है। जैसे मैं इस एनो पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा फेज है वह जाएगा हमारा कॉन्टेक्टर की कॉइल में और न्यूट्रल हम यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इस कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल को डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे और फेज तो हमारा इस एनो पुश बटन से होता हुआ गया था, तो फेज हमारा इस एनो पुश बटन से मिलेगा और न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है पहले इतना करके देख लेते हैं, फिर हम होल्ड डाउन किस तरह देंगे और उसका फंक्शन क्या होगा यह समझने वाले हैं। पहले इसे ऑपरेट करके देख लेते हैं। तो चलिए अब हम इसे ऑपरेट करके देख लेते हैं। पहले हमें कंट्रोल एमसीबी को ऑन करना होगी। कंट्रोल एमसीबी को जैसे ही ऑन किया अब हम इसे ऑपरेट करते हैं, तो जितनी देर हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे उतनी ही देर हमारा स्टार्टर ऑन होएगा और इसमें होल्ड डाउन हमने कनेक्ट नहीं किया है। दैट मीन्स जितनी देर हम पुश बटन को प्रेस करेंगे उतनी देर हमारा स्टार्टर ऑन होता है। अब हम इसमें होल्ड डाउन कनेक्ट करेंगे तो होल्ड डाउन कनेक्ट करने से क्या होगा, हमारा स्टार्टर परमानेंटली ऑन हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक होल्डिंग की सप्लाई देना होगी जो कि कंटिन्यू उसे मिलते रहे। तो हम देख सकते हैं जो एनसी का आउटपुट है यहां पर भी कंटिन्यू सप्लाई आ रही है और जो एनओ का इनपुट है यहां पर भी कंटिन्यू सप्लाई आ रही है। दैट मीन्स हम होल्ड डाउन यहां से भी दे सकते हैं और इसके इनपुट से भी दे सकते हैं।
तो हम यहां से चाहे एनसी का आउटपुट से चाहे एनओ के इनपुट से, तो हम क्या कर सकते हैं, एनओ के इनपुट से एक होल्ड डाउन के लिए एक वायर को कनेक्ट कर लेते हैं और इसे हम ले जाकर दे देते हैं कॉन्टेक्टर का जो एनओ पॉइंट है एनओ पॉइंट में। तो चलिए पहले हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए ये जो होल्डिंग का वायर है इसे हम दे देंगे कॉन्टेक्टर को जो एनओ पॉइंट है एनओ पॉइंट में। अब इससे होल्ड डाउन कैसे मिलेगा ये हम समझ लेते हैं। पहले हम इसे यहां पर कनेक्ट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एनओ का जो आउटपुट है जो कि कॉन्टेक्टर की कॉइल में गया है उसमें हम क्या करेंगे, लूपिंग का एक छोटा सा वायर कनेक्ट करने वाले हैं। उससे क्या होगा, जो ये दूसरा पॉइंट जो सिरा होगा उसे हम दे देंगे कॉन्टेक्टर का जो एनओ का आउटपुट है उसमें। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक लूपिंग यहां पर कनेक्ट करेंगे और एक लूपिंग यहां पर कनेक्ट करेंगे। उससे होगा क्या, जैसे हम इस एनओ पुश बटन को प्रेस करेंगे तो सप्लाई यहां पर आएगी और यहां पर आएगी, दैट मीन्स यहां पर आएगी। अब जैसे ही हम इस कॉन्टेक्टर को ऑन करेंगे, कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑन होगा तो यहां पर जो परमानेंट जो सप्लाई आ रही है जो कि होल्डिंग की सप्लाई है, तो होल्डिंग की सप्लाई उसे यहां पर मिलेगी जो एनओ का आउटपुट है वहां पर। तो एनओ का आउटपुट में यहां पर सप्लाई मिलने से जो उसकी कॉइल है उसी कॉइल में कंटिन्यू सप्लाई आती रहेगी। जस्ट एक बार यदि हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो गया तो एक बार ऑपरेट होने से क्या होगा, इसकी जो एनओ की सप्लाई वो यहां पर आएगी और यहां से इसके कॉइल में से कंटिन्यू यहां से मिलती रहेगी। फिर हम इसे यदि निकाल भी देते हैं तो भी हमारा स्टार्टर चलता रहेगा। तो चलिए पहले हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं इस लूपिंग को, एक जो हमारे कॉन्टेक्टर की कॉइल में है इसे कॉइल में कनेक्ट करेगा और जो एनओ का जो दूसरा सिरा है वहां पर इसे कनेक्ट करने वाले है। तो चलिए हमने यहां पे क्या किया, जो होल्डिंग का वायर है उसे यहां पर कनेक्ट कर दिया है। अब होगा क्या, अब होगा क्या, जैसे ही हम इस एनो पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी सप्लाई इस कॉइल में आएगी और कॉइल से होते हुए इस एनो पॉइंट में आएगी। अब जैसे ही हमारा क्या होगा, जब हम इसे ऑफ कर देंगे तो यहां से सप्लाई ऑफ हो जाएगी, हमारा स्टार्टर ने ऑफ हो जाना चाहिए, बट यहां से जो इसकी होल्डिंग की सप्लाई होगी वह इस एनो के थ्रू होते हुए जैसे ही एक बार ऑपरेट होगा तो ऑपरेट होते हुए सप्लाई यहां से यहां पर आएगी और यहां से इसकी कॉइल में कंटिन्यू मिलती रहेगी। न्यूट्रल तो जस्ट डायरेक्ट कनेक्ट है। तो इस तरह हम किसी भी स्टार्टर में होल्डिंग देकर उसे परमानेंट होल्ड कर सकते हैं, चाहे वो रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर हो चाहे स्टार डेल्टा स्टार्टर हो, सभी में हमें होल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं और हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहे। चलिए इसे एक बार ऑपरेट करके देख लेते हैं। अब जैसे हम इसे ऑन करेंगे तो हमारा स्टार्टर परमानेंट ऑन हो जाएगा और यहाँ से परमानेंट ऑफ हो जाएगा। अब हमारे इसे देखने से बार बार प्रेस करने की जरूरत नहीं है, एक बार जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो हमारा स्टार्टर परमानेंट ऑन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।